बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड चैप्टर की बात हो रही है जी, कंप्यूटर साइंस, जो कि रिवाइज सिलेबस है बोर्ड का। अब बहुत से स्टूडेंट्स मुझे ग्रुप में मैसेजिंग करते हैं, आपने देखा होगा अपनी वीडियोस में भी मैसेजिंग मुझे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सर कि ये सिलेबस कन्फर्म है या नहीं है, तो अगर हम ये तैयार करेंगे तो बाद में बदल गया। तो मैंने उनको बताया कि ये जो सिलेबस है ये ALP है, एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम है। ये हमारे कॉलेज जो है कैडेट कॉलेज जहाँ मैं लेक्चर रूम, वहाँ पर हमें ये ऑफिशियली दी है कि इसलिए हम बच्चों को तो इसी के मुताबिक ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। अब अगर बोर्ड वाले जैसे कि स्कूल है, सुना है कि शायद 15 से खुल जाएँ, तो मुमकिन है कि उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग हो, क्योंकि काफ़ी इसमें मिस्टेक्स हैं। आपको मालूम है कि पेज नंबरिंग जो है वो बोर्ड वाले ने गलत दी है, कुछ क्वेश्चन ऐसे बोर्ड ने दिए हैं, मैथ में एक क्वेश्चन सपोज दिए जो कि है ही कौन नहीं उस बुक के अंदर। तो इसलिए जो मिस्टेक है वो हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे, बल्कि जो हमें सिलेबस दिया गया है ALP में उसके मुताबिक हम आगे बच्चों को ले रहे हैं। तो अगर ज़रा भी कुछ चेंज हुई, कोई सिलेबस चेंज हुआ, कोई इन्होंने टॉपिक चेंज किया, तो हम लोग आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म कर देंगे और इंशाल्लाह आपके साथ बिल्कुल मैं इन टच रहूँगा। तो कंटिन्यू का उम्मीद है कि 99-95% सिलेबस यही रहेगा। थोड़ी बहुत अगर बोर्ड ने कोई चेंजिंग की, कोई पेज नंबरिंग बदला दी, तो वो आपको मैं साथ साथ बता दूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं जी अपना चैप्टर नंबर 2। सिलेबस मेरे पास मौजूद है, आपको पहले मैं सिलेबस बता दूं। डेटा टाइप असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट है चैप्टर 2 का। ये वो टॉपिक हैं जो बोर्ड ने लिखे हैं, आपके सामने मौजूद हैं। इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक करना है, राइटिंग प्रोग्राम इन बेसिक है, उसके बाद देखिए नीचे ये रिजर्व वर्ड्स है, वेरिएबल कॉन्स्टेंट करने हैं, डिक्लेरेशन करेक्टर वाला टॉपिक करना है, कमांड्स बहुत थोड़ी करनी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी कमांड्स बोर्ड ने कैंसिल कर दी, सिर्फ 6-7 कमांड्स करनी है, ऑटो एडेड लिस्ट वगैरह करनी है, और उसके बाद ये रीड डाटा स्टेटमेंट इनपुट प्रिंट करनी है, एक्सरसाइज है। आपको मैं अब डिटेल के साथ बताता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक करने हैं, कौन से शॉर्ट हैं और कौन से लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डाटा टाइप असाइनमेंट्स एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, ब्लू कलर में जो टॉपिक हैं ये सारे बोर्ड ने रखे हुए हैं, जो टॉपिक मैं आपको अभी रेड कलर में दूंगा वो कैंसिल है। तो इंट्रोडक्शन करनी है, इंट्रोडक्शन आपको मालूम है, ये देख भी लें हमारे कोर्स में इंट्रोडक्शन, उन्होंने ये देखिए इंट्रोडक्शन लिखी हुई है। उसके बाद प्रोग्राम इन GW, इस पेज पे सिर्फ एक ही टॉपिक करना है। तो पहले 3 लाइनें करनी है, स्टूडेंट तक के बेसिक लैंग्वेज बनाई किसने थी, क्या थी, उसके बाद GW बेसिक जो आप लोग कोर्स में है वो क्या चीज़ है और वो उसका इंटरप्रेटर है, वहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये एक ही सवाल बनेगा, व्हाट इज़ GW बेसिक। मोड्स आपके बोर्ड ने कैंसिल कर दिए हैं। उसके बाद अब देखिए मैं सिर्फ बुक के मुताबिक, कोर्स के मुताबिक चाह रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है क्लियरली कि इंट्रोडक्शन के बाद राइटिंग प्रोग्राम पे आ जाना है, पेज नंबर 13 पे सिर्फ एक ही टॉपिक था, उसके बाद क्रिएट और सेव पे आ जाना है, प्रोग्राम लोड पे आना है। तो फिर ये बेसिक स्टेटमेंट वाला सवाल भी कैंसिल हो गया, बेसिक स्टेटमेंट्स के हैं ये भी कैंसिल हो गई हैं, ये करना है राइटिंग प्रोग्राम। इसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, व्हाट इज़ IDE, तो ये यहाँ से शुरू होगा। ID क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वहाँ से लेके ये प्रोग्राम तक जाएगा। क्रिएट वाले टॉपिक में पहले करना है हाउ टू सेव अ प्रोग्राम, ये हाउ टू सेव अ प्रोग्राम का लिखा हुआ है। उसके बाद अगले पेज पे आ जाएं, हाउ टू लोड अ प्रोग्राम ये करना है, ये मैंने निशान लगा दिए हैं। उसके बाद एग्जीक्यूट द प्रोग्राम करना है, वहाँ से लेके यहाँ तक करना है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है, पहला एक्सरसाइज का भी है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम, बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये यहाँ से शुरू होगा और ये नंबर्स तक लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। करेक्टर सेट ऑफ बेसिक जो है वो बोर्ड ने कैंसिल कर दी है, ये सारा बोर्ड ने कैंसिल कर दी है, ये सारा कैंसिल है। उसके बाद करना है जी वेरी इंपॉर्टेंट रिजर्व वर्ड्स, देख लें रिजर्व वर्ड्स का बोर्ड ने लिखा हुआ है, देखें पेज 15 के बाद रिजर्व वर्ड्स हैं, उसके बाद वेरिएबल्स हैं, उसके रूल्स हैं, फिर उसके बाद टाइप डिक्लेरेशन करेक्टर्स है, कॉन्स्टेंट्स हैं और टाइप्स ऑफ वेरिएबल, ये सारे मशहूर लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिजर्व वर्ड्स, ये तीनों लाइनें वाइल तक यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन अगला, वेरिएबल्स क्या होते हैं और उसके रूल्स बताने हैं, वेरिएबल की डेफिनेशन पहली 2 लाइनें ये है और उसके बाद ये लाइन भी लाजमी आपने करनी है, तब 2 नंबर मिलते हैं। उसके बाद ये उसके रूल सारे बताने हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं। देन छोटा शॉर्ट क्वेश्चन है, टाइप डिक्लेरेशन करेक्टर्स, ये बहुत दफ़ा MCQ में आ जाता है कि स्ट्रिंग वेरिएबल के लिए कौन सा सिंबल है, इंटीजर के लिए कौन सा है, सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल्स के लिए कौन सा है और डबल प्रिसीजन वेरिएबल, यानी इसको प्रिसाइज कहते हैं, प्रिसीजन वेरिएबल्स होता है, इनके लिए कौन सा करेक्टर, ये याद कर लें और ये 2 लाइन का टोटल डिक्लेरेशन करेक्टर्स बताने हैं। फिर लॉन्ग सवाल अगला है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, देर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, आपको मालूम है न्यूमेरिक होता है और स्ट्रिंग होता है, यहाँ से शुरू होगा और ये यहाँ पर ख़त्म होगा। अगला लॉन्ग सवाल है, व्हाट इज़ कॉन्स्टेंट,
यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज का के डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो आप वेरिएबल के डिफरेंस में वेरिएबल की डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद कांस्टेंट की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन चलता जा रहा है कांस्टेंट वाला और ये ख़त्म हो जाएगा। इसकी आगे टाइप्स पे आ जाएगा, ये सिंगल प्रिसीजन आ गई, उसके बाद डबल प्रिसीजन आ गई है, उसके बाद ये टेबल है, स्ट्रिंग कांस्टेंट आ गया। ये यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है आपका। उसके बाद कमांड्स आगे, कमांड बहुत ज़्यादा हैं, ऑलमोस्ट मोर देन 30 हैं। बोर्ड ने थोड़ी सी कर दी हैं, ये देखें सिर्फ ऑटो एडिट लिस्ट लोड रन सेव सिस्टम कमांड है और एंड और रैम है, बस टोटल बन गए जी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कमांड्स टोटल करनी है। तो ऑटो कमांड करनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, बस कर लें, 2 नंबर मिल जाएंगे। और इसके साथ एग्जाम्पल लाजमी देनी है, एग्जाम्पल ये 2 एग्जाम्पल साथ देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह क्लियर कमांड नहीं करनी, सी एल एस कमांड बड़ी आसान है, बच्चों को लाजमी याद होता है, वो भी नहीं करनी। डिलीट कमांड नहीं करनी, बोर्ड एज़ पर बोर्ड ये देख लें, डिलीट कमांड का कहीं भी यहाँ पर जिक्र नहीं है। तो ये अपने पास है नहीं, मैं करा रहा हूँ, जो सिलेबस हमें मिल रहा है अब उसके मुताबिक आपको बता रहे हैं। कुछ मज़ीद इंक्लूड हुआ तो आपको मैं इमीडिएटली इन्फॉर्म करूँगा। एडिट कमांड करनी है जी, पहले डेफिनेशन आ गई यहाँ तक, इंटरप्रटेशन की ज़रूरत नहीं है, मर्जी है, उसके बाद 2 एग्जाम्पल दे देने हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। फाइल्स कमांड कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद किल कमांड, नाम ही बड़ा ख़तरनाक है, कैंसिल हो गया जी। लिस्ट कमांड करनी है, लिस्ट कमांड डेफिनेशन करने के बाद यहाँ तक उसका सेंटेंस लिखना है, सेंटेंस लाजमी करना होता है और उस एग्जाम्पल लाजमी देनी होती है, 2 एग्जाम्पल दे देते हैं, कोई से 2 नंबर पूरे बोर्ड में मिल जाएंगे। लोड कमांड करनी है, उसकी डेफिनेशन आ गई यहाँ तक और उसके बाद इसकी 2 एग्जाम्पल हैं, 2 सिर्फ, तो ये पूरा यहाँ तक का ये करनी है आपने लोड कमांड। उसके बाद एम के डी आई आर नहीं करनी, कैंसल है। मेड डायरेक्टरी नेम कमांड नहीं करनी, रीनाम कमांड नहीं करनी, रिमूव डायरेक्टरी यानी आर एम डी आई आर ये नहीं करनी। रन कमांड करनी है, यहाँ से शुरू होगी और यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, सिंटैक्स है, इसकी जो एग्जांपल है वो ये नीचे है, ये एग्जांपल इसकी का लेनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेनी है। उसके बाद सेव कमांड करनी है, यहाँ से शुरू होगा और इधर तक का लेना, ये करनी है बोर्ड के मुताबिक। उसके बाद सेव कमांड की एग्जाम्पल भी दे देनी, ये एग्जाम्पल है सेव कमांड की, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर सिस्टम कमांड करनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, लिस्ट कमांड कैंसिल, प्रिंट कमांड कैंसिल, सॉरी एल प्रिंट कमांड होती है ये, एल प्रिंट कमांड कैंसिल, कंटिन्यू कमांड है अकाउंट कैंसिल। उसके बाद 2 स्टेटमेंट्स आ गई हैं, 2 स्टेटमेंट्स करनी है हमारे कोर्स में, आप देख लें 2 स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, एंड और आर ई एम यानी रिमेंबर रिमेमराइज। तो एंड स्टेटमेंट करनी है यहाँ तक है और रिमेंबर स्टेटमेंट करनी है, उसको रिमेंबराइज स्टेटमेंट कहते हैं, रिमेंबर भी कहते हैं, रिमार्क्स भी इसको कहते हैं, इसको एक्चुअली इसका जो सही नाम है वो रिमार्क्स है, आर ई एम, यहाँ नीचे कहीं लिखा होगा रिमार्क्स, ये रिमार्क्स लिखा हुआ है। यहाँ तक करने के बाद एग्जाम्पल अगर बोर्ड वाला पूछे तो फिर एग्जाम्पल भी याद करनी है और एग्जाम्पल को यहाँ तक बस डिफाइन कर देना है, आगे नहीं करना मज़ीद। उसके बाद लॉन्ग सवाल 3 और हैं, सॉरी ऑपरेटर्स हैं, ये भी लॉन्ग सवाल है। डेफिनेशन आ गई, शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ऑपरेटर, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से लेके ऑपरेटर की डेफिनेशन है। फिर लॉन्ग सवाल शुरू हो रहा है अरिथमेटिक ऑपरेटर का, यहाँ से शुरू करना है, ये टेबल बनेगा, यहाँ ख़त्म हो रहा है। अगला लॉन्ग सवाल रिलेशन ऑपरेटर, बोर्ड में कई दफ़ा आ चुका है, इनमें से अब बड़ा ही अहम टॉपिक है जो ऑपरेटर्स वाले हैं, डायग्राम इनके साथ सॉरी टेबल लाजमी बनाना हो, यहाँ ख़त्म हो रहा है। लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, बिल्कुल एंड और नॉट का जिक्र है, इसका भी चलता जाएगा, इसका आगे टेबल ट्रुथ टेबल बना हुआ है, नॉट एंड और आर, इसको ट्रुथ टेबल कहा जाता है, सच्चा टेबल है जी। क्यों है, 9th क्लास में आपने लाजमी बुलियन अलजेब्रा में पढ़ा होगा कि सच्चे टेबल को ट्रुथ टेबल क्यों कहते हैं। कॉन्केटिनेटेड ऑपरेटर कैंसिल कर दिया गया, असाइनमेंट ऑपरेटर कैंसिल है, तो फिर इसके साथ लेट स्टेटमेंट आगे वो भी कैंसिल हो गई होगी। ऑपरेटर प्रेसिडेंस भी कोई नहीं पूछा गया, टाइप कन्वर्जन बड़ा ही डिफ़िकल्ट टॉपिक है, ये भी नहीं है, ये कैंसिल हो गया है। ये असाइनमेंट स्टेटमेंट बताया था कि लेट स्टेटमेंट, उन्होंने ये कैंसिल कर दी है। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स में उन्होंने सिर्फ कहा है कि पहली स्टेटमेंट री डाटा स्टेटमेंट्स करनी है, यहाँ से शुरू हो जाएगा और ये एग्जाम्पल प्रोग्राम इसके सिंटैक्स सारा कुछ लिखना है और ये आपकी ख़त्म हो जाए, यहाँ पर आके ख़त्म हो जाएगी।
रिस्टोर स्टेटमेंट बोर्ड ने कैंसिल कर दिया है। रिस्टोर स्टेटमेंट आपने देखा कि बोर्ड ने कैंसिल किया, सिर्फ री डाटा रखी है और इनपुट, और उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट, और उसके बाद एक्सरसाइज की बात हो रही है जी। तो फिर ठीक है, हम लोग चलते हैं। रिस्टोर स्टेटमेंट कैंसिल हो गई, उसके बाद जी इनपुट स्टेटमेंट बोर्ड ने रखी है, यहाँ से स्टार्ट करनी है। देख लेते हैं जी, इनपुट स्टेटमेंट शामिल है और ये कंटिन्यू करेगी जी। इनपुट स्टेटमेंट उसकी एग्जांपल समेत यहाँ पर ख़त्म हो रही है और आखिरी टॉपिक है, लॉन्ग सवाल भी कह सकते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ से शुरू हो रही है, डेफिनेशन है उसका, सिंटैक्स है, इंटरप्रटेशन है, एग्जाम्पल है, दोनों इसके दो एग्ज़ाम्पल हैं और यहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है। अब बात है जी इसकी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज ऑफ क्वेश्चन नंबर, ये प्रिंट यूजिंग नहीं करनी, बोर्ड ने कैंसिल कर दिए। फिल द ब्लैंक क्वेश्चन नंबर वन नहीं करना, क्योंकि आप देख लें एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन दिए गए करने हैं वो टू करना है, फोर करना है, फाइव करना है, सिक्स करना है, सेवन करना है, नाइन करना है और टेन के कुछ पार्ट्स करने हैं, ये आपके सामने लिखे हुए, मैं अपने पास नहीं बता रहा, बोर्ड के मुताबिक। तो क्वेश्चन वन फिल द ब्लैंक्स नहीं करनी, क्वेश्चन टू करना है, इसका जवाब नीचे लिखा हुआ है। जी डब्ल्यू बेसिक टू मोड्स होते हैं, डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड, हालांकि ये टॉपिक बोर्ड ही नहीं रखा लेकिन फिर भी कर लें। मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ वेरिएबल फॉर थ्री करेक्टर्स, अगर दो स्टेटमेंट्स आपस में जोड़नी हो तो लाइन को सेपरेट किया जाएगा सेमी कॉलन से, ये सेमी कॉलन होता है, ये सेमी कॉलन होता है, पहले नुकता होता है और उसके बाद नीचे कॉमा होता है। इनमें से कौन सी टाइप डिक्लेरेशन करेक्टर इंटीजर्स के लिए यूज़ होता है, परसेंटेज का साइन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज़ द हाइएस्ट प्रेसिडेंस एक्सपोनेंट। अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फाबेट, ये वेरिएबल का रूल भी है पहला। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू रन अ जी डब्ल्यू बेसिक प्रोग्राम, आपको मालूम है एफ टू है, क्योंकि एफ वन से लिस्ट होती है, एफ थ्री से लोड होता है, एफ फोर से सेव होता है और एफ टू से रन होता है। वेन अ फ्लोटिंग पॉइंट इज, ये टाइप कन्वर्जन वाला टॉपिक था, इसका राउंडेड ऑफ है जी। कौन सी स्टेटमेंट किसी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को टेम्पररी स्टॉप करती है, टेम्पररी स्टॉप की बात हुई है, वो स्टॉप है, अगर होता कि मुकम्मल स्टॉप करती है तो फिर ब्रेक था, एंड से प्रोग्राम एंड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड, अगर दोबारा प्रोग्राम को जहाँ रोका है स्टॉप से वहीं पर दोबारा वहीं से आगे चलाना है तो आपको मालूम है कंटिन्यू करना पड़ेगा, उसकी कमांड का नाम है सी ओ एंड टी। ये क्वेश्चन नंबर थ्री नहीं करना, क्वेश्चन फोर फाइव सिक्स सेवन एट करने हैं। मोड्स शुरू में हम पढ़ चुके हैं, हालांकि यहाँ पर बोर्ड ने कहा है कि मोड्स नहीं है लेकिन वहाँ उन्होंने बता दिया है। ये देखिए यहाँ उन्होंने बताया कि क्वेश्चन नंबर टू के बाद फोर करना है और फाइव करना है, वहाँ ऊपर लिखा है उन्होंने कि मोड्स नहीं है। अब ये देखें अब इसमें बोर्ड ने क्या गड़बड़ कर दिया, तो बेहतर यह है कि हम इसको मोड्स को कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर जो मोड्स हैं वो कर लेते हैं। ये बिल्कुल इस चैप्टर के शुरू में आपको मैं बता देता हूँ। पेज नंबर 13 है मोड्स का, ये है जी। तो फिर आप इसको भी कर लें एज पर बोर्ड, ये करना है ओके, ये टॉपिक कर लेना आप। उसके बाद दो क्वेश्चन और हैं जो आपने करने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर फोर आप देख लें कि यहाँ पर बोर्ड ने कहा था क्वेश्चन फोर करना है मगर उधर उसने कहा था नहीं करना, तो फिर बेहतर है कि हम ये जो मोड्स हैं ये टॉपिक कर लेते हैं, इसको टिक कर दें। रूल्स और नेम वेरिएबल, मैं लॉन्ग क्वेश्चन निशान लगवा चुका हूँ, टाइप डिक्लेरेशन करेक्टर शॉर्ट क्वेश्चन बता चुका हूँ, ब्रीफ डिस्क्राइब अरिथमेटिक ऑपरेटर लॉजिक रिलेशनल तीनों सवाल बताए मैंने, उसके बाद राइट प्रोग्राम, ये अपने पास से प्रोग्राम बनाना क्लास वाले करा देंगे, वरना मैं प्रोग्राम बना के इंशाल्लाह सारी एक्सरसाइज मैं यहाँ प्रोग्राम बना के आप लोगों को वीडियो बना दूंगा। क्वेश्चन टेन को उन्होंने कहा है कि चार करने हैं, सिर्फ सेकंड पार्ट करना है, आईडी का आपको मैं बता चुका हूँ पेज 14 पे शायद था, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट। उसके बाद एक्सप्लेन द टर्म लोडिंग ऑफ प्रोग्राम करना है, मैं एग्जीक्यूशन लोडिंग और सेविंग तीनों आपको शुरू के पेजेस में निशान लगा चुका हूँ। फिर करना है जी ब्रीफली डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम, लॉन्ग सवाल था मैं बता चुका हूँ, वेरिएबल कांस्टेंट बताया कि डेफिनेशन बता दें वेरिएबल की और कांस्टेंट की, और ये प्रोग्राम आपको अपने पास लिखना होगा, नहीं तो मैं आपको लिख के तो यहाँ पर वीडियो बना के प्रोग्राम्स की सारी लोड कर दूँगा। ठीक है जी, चैप्टर थ्री खत्म हो रहा है, टू खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कन्फर्म करने, तब तक कन्फर्म भी हो जाएगा कि सिलेबस क्या है,
कुछ चेंजिंग तो नहीं हुई तो मैं आपको इमीडिएटली अगली वीडियोस बना के शुरू कर दूंगा, अगर चेंजिंग हुई भी तो आपको मैं फ़ौरन इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, सी यू एंड टेक केयर।